बच्चों कैसे हो? सभी ठीक प्रकार से होंगे। अपन यहाँ पर दोबारा से इस पाठ को पढ़ रहे हैं। तो हिंदी के अंदर पाठ पहला है हम भारत के भरत, हम भारत में जन्मे। भरत के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यहाँ पर कवि कहता है कि हम भारत के युवक राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं, यानी कि शक्तिशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी हमारे देश के समान या इससे बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेना, हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, वो बड़े गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण हैं, अपने पूर्वजों से सौगात में मिले हैं, यानी कि विरासत में मिले हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कभी कहता है कि भारत के छोटे छोटे जो बालक हैं, बड़े वीर हैं, बड़े बहादुर हैं, छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रहती है। उसी प्रकार यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी काफी बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। यहाँ बगीचे में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता को पा लेते हैं, हमारी मंजिल को पा लेते हैं। हम कभी अंगारे बनकर देखते तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते, मतलब खुशबू को चारों तरफ महकाते। हम अपने देश के खातिर शान से जीते और शान से मरते। संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। कूद समर में आगे आए जबकि हम ललकार ने उंगली दांतों तले दवाई, अचरज से संसार ने सदियों से बनते आए हैं। हम पन्ने इतिहास के त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं। 12 मास के जब भी निकला हीरा यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कभी कहता है कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रमों को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित रह गए, यानी कि हैरान हो गए। हम सदियों से इतिहास के पन्ने में अपना नाम करते रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए प्यार और बलिदान की भावना रखना ही हमारा व्रत है। इस भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं, उनका जन्म हुआ है। इसकी मिट्टी में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परिश्रम परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया है, सौगंध उसकी खाई है, इसी उम्र में परिचय पालें। हम श्रम से बलिदान से
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कवि कहता है। यह भारत भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात भारत माँ है, जो कि हमें प्राणों से अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब बच्चों की है। हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है हमारे सामने। हमने जिस माँ का दूध पिया है उसकी सौगंध खाकर हम अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना सीख लें अर्थात देश सेवा का परिचय प्राप्त कर लें। इस संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है, इस पाठ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मैं यहाँ पर इस पाठ को मैंने यहाँ पर दोबारा से पढ़ाया है और अब मैं यहाँ पर पीडीएफ के द्वारा इसके प्रश्नोत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, ये भेज रहा हूँ। उसको आप फिर कॉपी में सुंदर सुंदर लेख में करें। धन्यवाद।